नमस्कार, हम इस वक्त होलकर स्टेडियम में हैं और भारतीय टीम ने अभी फिलहाल प्रैक्टिस की है और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी, उनसे तो सभी लोग मुलाकात करते हैं। मैं आपको सचिन तेंदुलकर जी जो क्रिकेट के भगवान हैं उनके खास फैन, नमस्कार, से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। वे लगातार जब तक सचिन तेंदुलकर जी क्रीज पर रहते हैं तब तक वे लगातार अपना राष्ट्र ध्वज फहराते नजर आते हैं, शंख की ध्वनि के साथ उन्हें उत्साहित करते हुए नजर आते हैं। कब से ये जुनून था आपका सचिन तेंदुलकर जी के, क्या लगातार बचपन से ही फैन थे आप? बचपन से थे, लेकिन 2001 में सचिन सर से मिलने की जीत और स्टूडेंट लाइफ में मैंने 3 मैच देखी। 19 जनवरी 2001 इडन गार्डन भारत इंग्लैंड की प्रथम ODI और उसी सीरीज की चौथा ODI ग्रीन पार्क कानपुर में देखे 28 जनवरी 2001 को। फिर 17 अप्रैल 2001 को ही इंडिया न्यूजीलैंड की फाइनल मैच विजयवाड़ा दिखे, बस वहीं से जोश और जुनून जगी। मैं भी इंटर कॉलेज क्रिकेट खेले, लेकिन क्या बात, साइकिल से 2002 में सचिन सर से मिलने के लिए जमशेदपुर गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने उनकी टेनिस एल्बो की परेशानी से मैं नहीं जा हो पाई। लेकिन 2003 में जब सचिन सर से मिलने के लिए साइकिल से मुंबई गए, हाँ। बस वहीं से मुलाकात संभव हुई, उस समय आपकी मुलाकात भी हुई। बस वहीं से पास मिलना प्रारंभ हुआ। आज हम टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर। अब कितने मैच आप सचिन सर के देख चुके हैं, कितने पासेस आपको मिल चुके हैं, सचिन सर क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाते हैं? सचिन सर की ही बदौलत हम इंडिया को चेयर कर पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहाँ भी इंडिया से बाहर जाते हैं, एयर टिकट, वीज़ा, सब चीज़ सचिन सर करते हैं और हम टीम इंडिया को चेयर करते हैं। कितने घंटे लगातार आप ध्वज फहराते रहते हैं और क्या मोटिवेशन मिलता है सचिन सर को? बस आज सचिन सर भले ही रिटायर के 9 साल बीत गए, लेकिन आज भी हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी मैच होता है वहाँ जाते हैं और सचिन सर की वजह से ही हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं इंडिया से बाहर। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जब तक हम इस धरती पे हैं टीम इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर आपका।